सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन सरकारी अड्डा। आई एम संदीप झा। सो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 फॉर एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड। सो चलिए बिना किसी देरी के चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सो पहला क्वेश्चन बताना है आपको, अ प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, यानी कि हम किसी भी मैटर यानी कि कोई भी पदार्थ है या फिर कुछ भी है, और अगर उसको सॉलिड से अगर हम वेपर में यानी कि वाष्प में चेंज करेंगे, यानी कि ठोस से वाष्प में अगर चेंज करेंगे, तो वाली प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है। ठीक है, तो हम आप लोगों को 10 सेकंड देंगे, उसमें आपको बताना है इसका आंसर फटाफट से, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। भाई ठोस से चेंज करना है वेपर में यानी कि वाष्प में। ओके, सो ये वाली प्रक्रिया हमारी कहलाती है सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातीकरण। ये गलत दिया है यहाँ पे हिंदी में, ऊर्ध्वपातीकरण। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया हमारा सब्लिमेशन। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर ए का कह रहा है वेपराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण। अगर हम किसी भी लिक्विड को चेंज करते हैं वेपर में, यानी कि तरल पदार्थ को चेंज करते हैं वाष्प में, तो उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। ओके, अब बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो ये क्या है, कॉन्डेंसेशन। इसका मतलब होता है हमारा, अगर हम किसी भी लिक्विड को, सॉरी, अगर हम किसी भी गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्डेंसेशन यानी कि घनीकरण। ओके, सो जो हमारा ऑप्शन नंबर राइट है वो है ऑप्शन नंबर बी। सो क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू आपसे कह रहा है, हु डिस्कवर्ड नोबल गैस, नोबल गैस की खोज किसने की थी। आपके पास 10 सेकेंड है, इसका आंसर दीजिए फटाफट से। ओके, सो टाइम सब देखिए, नोबल गैस की खोज भाई करी थी विलियम रामसे ने, विलियम रामसे ने। बट यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। इन तीनों में से किसी ने नहीं करी थी भाई, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी कि किसने करी थी, विलियम रामसे। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है आपसे, अ वेव ट्रेवल 660 मीटर्स इन 2 सेकेंड, यानी कि कोई तरंग है वो भाई 2 सेकंड में हमारा 660 मीटर चलती है। ठीक है, एंड टू फ्रिक्वेंसी इन 330 हर्ट्ज, यानी जो जो तरंग की जो आवृत्ति है वो आपको दी है 330 हर्ट्ज, तो इट्स वेव लेंथ यानी कि इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये वाले क्वेश्चन मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में कराए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखिए, क्योंकि वहाँ से आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने वाले हैं। ओके, सो टाइम सब देखिए, हमसे पूछा जा रहा है तरंग दैर्ध्य क्या क्या दिया गया है, आवृत्ति दी गई है। अगर हम बात करें कि आवृत्ति और हमारा तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा, इसको हम लैम्ब्डा बोल देते हैं तरंग दैर्ध्य को, उसमें संबंध क्या होता है, तो भाई होता है वी इज इक्वल्स टू एन इन टू लैम्ब्डा। भाई वी क्या होता है यहाँ पर, वी हमारा होता है वेग, तरंग का वेव। अब बट यहाँ पर हमें तरंग का वेग दिया नहीं है, बट हमें दिया क्या है, टाइम दिया है, और क्या दिया है, उसकी दूरी दी है। हमें पता होता है वेग बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू एन लैम्ब्डा, एन की वैल्यू क्या दी है, 330 इंटू लैम्ब्डा पूछा गया है। डी की वैल्यू क्या है, 660 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 330 इंटू लैम्ब्डा, इससे गया ये 2 बार 2 से 1 टाइम्स, तो लैम्ब्डा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 1 मीटर। ठीक है भाई, सो ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। सो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वी इज इक्वल्स टू एन लेमडा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है हमसे, एफिशिएंसी ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम की दक्षता क्या होगी। अब भाई समतापी प्रक्रम में बताया था मैंने आप पिछले वीडियोज में, चलिए आपके पास 10 सेकेंड्स हैं, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। आसान क्वेश्चन है, बताया था मैंने आपको समतापी के बारे में पिछले वीडियोज में। ओके, सो टाइम सब देखिए, जो हमारा समतापी होता है इसको हम बोलते हैं, यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है, तापमान, वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अगर हमारा तापमान कांस्टेंट है उस निकाय के अंदर जिसकी भी हम दक्षता देखना चाह रहे हैं, ये हमारा आइसोथर्मल निकाय है, आइसोथर्मल सिस्टम है। ठीक है, अब इसके अभी क्या भाई, इसका जो ताप है वो कांस्टेंट है। अगर ताप कांस्टेंट होगा तो जो इसके अंदर जो ऊर्जा होगी वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी भाई, वर्क में चेंज हो जाएगी।
जब जो पूरी पूरी ऊर्जा हमारी वर्क में चेंज हो रही है, मतलब क्या हुआ, जो इसकी जो दक्षता यानी कि इफ़िशियंसी है वो 100% है, ठीक है। 100% मतलब पूरा पूरा 1 हो गया, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। सो क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है। पहला स्टेटमेंट है स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी इन एयर, यानी कि वायु में आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। बी नंबर क्या है, डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज मोर देन ड्राई एयर, जो आर्द्र वायु का घनत्व तो शुष्क वायु से अधिक होता है। आपके पास 10 सेकंड है, बताइए इन दोनों में से कौन सा गलत है कौन सा सही है, और जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनको बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। ओके, सो टाइम्स अप। सो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ राइट, मतलब क्या हुआ, ए सही है और बी गलत। देखिए ए में क्या कह रहा है, वायु में आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि का जो वेग है वो बढ़ जाता है, भाई बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु से अधिक होता है, ये गलत है। आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु से भाई कम होता है, ठीक है भाई, तब राइट होगा ये। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी तो है ही, जो कथन नंबर बी है वो गलत है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द प्रोसेस इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेंस कॉन्स्टेंट, भाई इनमें से किस प्रक्रम के दौरान निकाय की आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। मैंने आपको अभी फ़िलहाल आई थिंक इससे पहले क्वेश्चन में बताया था आपको इसके बारे में। ओके, हमने भाई इससे पहले वाले क्वेश्चन में बात करी थी समतापी की, आइसोथर्मल की, क्या था उसमें, अगर भाई कोई भी निकाय आइसोथर्मल है यानी तो उसके अंदर जितनी भी ऊर्जा है वो संपूर्ण हमारी चेंज हो जाएगी किसमें, वर्क में, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या है, जो आंतरिक ऊर्जा है वो क्या होगी, स्थिर होगी पूरे में। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि समतापी प्रक्रम के दौरान निकाय की आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है हमेशा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेवन का कह रहा है, डेसीबल इज़ यूनिट ऑफ, जो डेसीबल है वो किसकी इकाई है। आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी, बताना है आपको विद इन 10 सेकंड कौन सा ऑप्शन राइट है। डेसीबल बताया था मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट्स में, डेसीबल क्या होता है। ओके, सो टाइम्स अप। जो डेसीबल होता है भाई वो होता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जो डेसीबल जो ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है, ठीक है, इसकी इकाई क्या होती है ध्वनि की तीव्रता की, डेसीबल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है, वर्क डन बाई अ थर्मोडाइनामिक सिस्टम इज, किसी ऊष्मा गति की निकाय के द्वारा किया गया कार्य। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, पथ पर निर्भर करता है, नहीं करता है, या फिर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर करता है डिपेंड। देखिए आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है यानी अप्रोप्रिएट है। ओके, सो टाइम्स ऑफ, देखिए यहाँ पे बात हो रही है भाई थर्मोडाइनामिक सिस्टम है, कैसा है, ऊष्मा गति की ये सिस्टम है। तो बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में कि थर्मोडाइनामिक सिस्टम जो होता है, जो उसका कार्य होता है वो पथ पर निर्भर करता है, ठीक है, बट जो उसकी जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है यानी कि डेल्टा यू, वो डिपेंड नहीं करता है भाई, नॉट डिपेंडेंट किस पे, उसके पथ पर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर नाइन आपका है, गैल्टन विस्टल इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस, जो गॉल्टन सिटी है का प्रयोग इनमें से किसको उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सो आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट से बताइए विद इन 10 सेकंड कौन सा ऑप्शन राइट है। गॉल्टन सिटी, ओके, सो टाइम्स अप। देखिए जो गॉल्टन सिटी होती है यानी गॉल्टन विस्टल, उसका हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स निकालने के प्रयोग में, पराश्रव्य तरंगें वहाँ से निकलती हैं जो कि काम आते हैं हमारे कुत्तों और डॉल्फिन को सिखाने के लिए, हम लोग इसको यूज़ करते हैं भाई, ठीक है। जो विदेशों में क्या होता है भाई, ये जो सीटी होती है गॉल्टन सिटी, इसका यूज़ करते हैं कुत्तों और डॉल्फिन मछलियों को सिखाने में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा है आपसे, सिनेमा हॉल की छतें
यानी कि रफ रुच बोलते हैं तरफ से, एंड दरवाजों पर भारी पर्दे लटकाए जाते हैं जिससे। आपके पास 10 सेकंड है, बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। सिनेमा हॉल तो गए हो गए आप, बस आपको बताना है उसकी छतें इतनी रफ क्यों होती हैं और दरवाजों पर भारी पर्दे क्यों लटकाए जाते हैं। ओके सो टाइम सब देखिए, जो हमारे जो सिनेमा हॉल्स होते हैं उनकी छतें इसलिए रफ करते हैं हम लोग जिससे कि ध्वनि का जो परावर्तन है वो रुक जाए। अब आप सोचिए यार, अगर आप हॉल में जा रहे हो सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए, अगर वो वाली जो आवाज़ है मूवी की वो बार बार आ रही है, रिपीट हो गए, यानी कि उसके रूफ से टकरा के, जो सीलिंग है उससे टकरा के फिर वापस आ रही है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आपको जो एक्सपीरियंस होगा बहुत ही गंदा होगा। तो इसलिए उसको हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें जो छतें होती हैं वो हम लोग रफ लेते हैं और जो दरवाज़ों पर भारी पर्दे लटका देते हैं जिससे कि जो आवाज़ का जो परावर्तन है वो ना होने पाए। ठीक है।